साल मेहनत कर रहे हैं भाई, अल्लाह का वास्ता है, साड़ी इज्जत रखो, असा को तंग ना कर। गुरु साल के बाद एक बड़ा तंग किया। अच्छा, मैं मेहनत की थी, कुरान झोल में सटे, असा को तंग ना कर, अल्लाह वास्ते साड़ी इज्जत बचाओ। हूँ एक नहीं छोड़ा, भला तक गुरु साल असा उसका रखिए, भला असा बच्चे को आके इतना भला मैं तो फोन आ गया, अगर भाई तू अपनी लड़की ले जा, इतना कर मैं को तंग कर दिता है। भाई उनको आखे थे जिते तू आ दी, इतने आदि शादी करा दू, उतने आदि शादी करा दू, और जेरे बंदे को असा उ भी आ गया, हूँ आगे मैं नहीं करेगा। आपका नाम क्या है? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर, हाँ। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ इसलिए आपसे आराम से बात कर रही हूँ। सफ़ेद दाढ़ी आपकी, सुन लीजिए, कत्ल चूंकि आपने किया, कातिल है इसलिए मौजिज़ तो मेरा लफ्ज़ मेरे मुंह पर टक रहा है आके। सिर्फ ये बताइएगा मुझे मेरा जो चंद सवाल है जी। बाप हैं आप उसके? जी। बाप थे जी। पैदा हुई थी जी? आखिरी बेटी थी? आखिरी बेटी। जब वो पैदा हुई थी हाथ में उसको देखा था या आखिर में जब उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था? ठीक है। मोहब्बत थी उससे? बिल्कुल। कितनी थी? बहुत सी। कितनी? बहुत सी, जैसे बच्चे में होनी है। सब बच्चों जैसी थी या उससे कुछ ज्यादा थी? सब तो होती है। सबसे बराबर थी? हाँ। उससे ज्यादा नहीं थी? नहीं। फिर तो मेरा आपसे सवाल ही नहीं बनता ना कोई। सुनो, जो आपने माँ बाप की इज्जत दी, भाई की इज्जत दी, उन्होंने क्या प्यार करिए? ये तो वो बात आप कर रहे हैं ना, जो अब आपने उसको मारा। बाबा जी आपकी कितनी बेटियां? छह बेटी। इसके समेत? हाँ। पांच की शादी की? हाँ, पांच। कितनी उम्र में की? वो 16, 17, 18। तो इसे 25 तक क्यों रखा हुआ था? वो रिश्ता के नहीं तो वो 10 साल से खराब थी, ये कोई पता नहीं ऐसा बच्ची के साथ। तो आप अगर उसे 15-16 में उसकी शादी कर देते तो ये 25 तक नौबत ही नहीं आती। मैं मानती हूँ आपके मुताबिक जी वो खराफात में पड़ गई थी, मुझे बताए कसूरवार कौन था? वो रिश्ता जो कहीं ना थी ना, क्या करूँ, क्यों नहीं मिलता था रिश्ता? जेरे को बोल रहे हो हाँ का तो भाग जाना भाग देना, जेरे को याद है बाबा रिश्ता कर, खर्चा भी ऐसा करे। ये तो अब की बात है ना, जब आप नहीं पहले की, ये 2 साल के सामने। बाबा जी दारुल अमान भेज देते, नहीं संभाल सकते थे तो? असा के भी समझ गए थी इतना पहले तो चले, यहाँ आके नहीं समझी, दारुल अमान भेज देते। अच्छा, वो हमारी गलती? ये गलती नहीं, गुनाह है। आपने पैदा की, बेशक आप उसके बाप तो खुदा देख रहे हैं। आपने जो कत्ल किया, आपको ना दीन इजाजत देता था ना आपको दुनिया इजाजत देती थी, सिर्फ बिरादरी में अपनी नाक को यहाँ करने के लिए, बिरादरी की खातिर कातिल बन गए। आज आपको पूरा जनूबी पंजाब देखेगा, जहाँ आपकी बिरादरी है वो देखेगी आपको। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप वक्ती तौर पर आपको कह देंगे बाबा जी ने ठीक किया ठीक किया ठीक किया, आप जानते हैं आप एक कातिल बन गए हैं। ना अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में रोज़े मेशर आपकी इज्जत होगी, और ना ही दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नज़र में आपकी इज्जत होगी। पढ़ा लिखा सिर्फ ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी कॉलेज जाए, जो दीन से करीब होता है वो भी पढ़ा लिखा होता है। आपने उसको मारा, कत्ल किया तो कत्ल किया, आपने उसका जनाजा तक नहीं होने दिया, उसे गुस्ल नहीं होने दिया, उसे कब्र नसीब नहीं होने दी, आपने उसे बोरी में बंद करके फेंक दिया। ऐसे तो कोई पालतू जानवर के साथ नहीं करता। किसी के घर में कुत्ता बिल्ली घोड़ा कोई चीज पाली हो, लोग उसे भी दफना देते हैं उसके मरने के बाद। जो भी उसने किया, आप लोगों ने अपनी जान छुड़ाई, सब कुछ किया, आपने तो गुस्ल का हक तक छीन लिया उसे, आप लोगों ने नहीं मरना। भाई साहब हम दिमाग खराब हो गया, कोई लफ्ज नहीं याद आता उसका, आखिरी पल नहीं याद होते जिससे उसकी सांसें निकल रही थी। आप सगे बाप हैं? सगे बाप हैं। अभी तक आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है क्या किया? शर्मिंदगी तो है। किस चीज की? पकड़े जाने की? नहीं। 6 माह सुकून से नींद आ गई जब तक पकड़े नहीं गए? नहीं, वो जीने से मरने से सही है, खुदा सानू गर्क कर दे बस। असा तो खुदा से मांगते हैं अल्लाह से, यहाँ सब गर्क कर रहे, असा लाभ बन चले हो, असा गर्क हो जाऊँ। अच्छा, अल्लाह से यहाँ गर्क कर रहे, अल्लाह से यहाँ सब गर्क कर रहे, सुबह उठू नहीं हूँ। ये जो बद्दुआएं अपने आप को दे रहे हो, ये किस बात पे दे रहे हो आप कि वो गलत थी, लामे आ रहे हैं या कत्ल किया है, ये शर्मिंदगी? नहीं नहीं, वो गलत थी इसी वास्ते, कत्ल की शर्मिंदगी नहीं। नहीं, पिंड वाले जितने जाने वाले तुम्हारी धी ऐसी, तुम पिंड वालों ने मिल के मरवाई? नहीं नहीं, इतना भी वो काम है, ऐसा शर्म तो निकलने नहीं बाहर। वकास तब्रेज हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। वकास बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि गैरत के नाम पर कत्ल, मुदय्यत पुलिस के पास।
मुआफ़ी या सज़ा, किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं? देखें, वैसे जो हमारी प्रैक्टिस में ये चीज़ें मिलती हैं, माफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि गैरत के नाम पे जब भी कत्ल किया जाता है बाप या भाई जो है वो बेटी को या बहन, मैं आपको यही वजाहत करने लगा इस चीज़ की कि हमारी प्रैक्टिस में जो चीज़ें मिलती हैं जनरली जब हम इसे देखते हैं कि घर वालों के पास मुदैयत होती है और वो सुलह कर लेते हैं, जब इसकी मुदैयत स्टेट के पास पुलिस के पास आ जाती है तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि चूँकि वो इस केसेस के अंदर, जिस तरह आपने डिस्कस भी किया मेरे साथ, इस केस के अंदर वैसे भी मुलजिमान का इतराफ़ी बयान भी आ चुका है जिसे कन्फेशन कहा जाता है, और जब कन्फेशन कर लेता है कोई भी मुलजिम तो उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ जो है उस केस को ओवरनाइट्स में डिसाइड कर ली जाती है। एक तो सोने पर सुहागा ये हुआ कि पुलिस ने मुदैयत में ले लिया, और आपने मुतद्दद बार अपने प्रोग्राम में इस चीज़ की आवाज़ उठाई कि ऐसे मुकदमात को, खास तौर पर गैरत के नाम पर बच्चियों को जो ज़ेर ज़मीन दफन कर देते हैं, उसमें स्टेट के पास मुदैयत होनी चाहिए, उसके उसमें पुलिस को इसकी मुदैयत देनी चाहिए। और ये आप लोगों का भी बहुत बड़ा किरदार है कि आप अपने प्रोग्राम की वसासत से हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को एजुकेट करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि ऐसे केसेस की मुदैयत अगर पुलिस के पास होती है, पुलिस प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट करती है, इंटरोगेट करती है और प्रॉपर इसको एविडेंस बना के अदालत में पेश करती है, तो फिर मुलजिमान के पास कोई रास्ता नहीं बचता कि अदालत उन्हें सजा ना दे, चूँकि अब इसमें कन्फेशन कर ली गई है। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि इस कन्फेशन को वो जो 737 हमारा आर्टिकल है QSO का और 38 आर्टिकल है, इन दोनों आर्टिकल्स के तहत अदालत में इसका इतराफी बयान कन्फेशनरी स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ 364 का प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद करवाए। इसके बाद मुलजिमान के पास कोई कानून में रिलैक्सेशन मौजूद नहीं होगी, कोई रास्ता नहीं होगा, और जिस तरह रियासत के क्याम का मकसद ही यही था कि लोगों को तहफ़ दिया जाए और जो दूसरों को कत्ल करे जान के बदले जान, कान के बदले कान, आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक, रियासत का ये काम है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का ये काम है कि ये तीनों लोग जो इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो तीन लोग हैं या चार लोग इनमें मुलव्वस हैं, मुलजिमान हैं, इनको कड़ी से कड़ी जो हमारी करारवा क्या सजा है जो 302 के अंदर इंटेंशनल मर्डर में, वो सजाए मौत है और इनको सजाए मौत होनी चाहिए। एक मुलजिम जो है वो सीनियर सिटीजन है, यानी बाप है 70-75 साल शायद उनकी एज हो, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन के लिए भी सजा किस तरह से कोर्ट डिफाइन कर सकता है? आप चूंकि मायरे कानून है तो इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, 302 के अंदर बड़ी क्लिस्टर क्लियर इन चीज़ों की वजाहत की गई है, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो चाहे वो जवान हो, इसके लिए किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन नहीं रखी गई हमारे लॉ के अंदर। जहां तक 302 की बात है, जब इस शख्स को अपनी बेटी को ज़ेर ज़मीन दफन करते हुए या कत्ल करते हुए एक लम्हे के लिए तफक्कुर और तदब्बुर ना किया, तो फिर कानून जो है अपनी रिट को कायम करने के लिए या रूल ऑफ लॉ अपने आप को सोसाइटी में प्रवेल करने के लिए क्यों सोचे? हम उस नबी की उम्मत हैं जो अपनी बेटी की आमद पे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, और बाप के दिल में बेटी के लिए मोहब्बत होती है, हलूस होता है, प्यार होता है, तो उसको समझाना चाहिए अगर वो गलत रास्ते पर निकलता, ये नहीं कि आप उसका कत्ल करके उसकी लाश को छुपा देते हैं या उसका कत्ल करके उसे चौकों चौराहों में किसी खुले मैदानों में फेंक देते हैं। ये सितम जरीफी की इंतहा है, ये बेबसी और बेकसी की वो तस्वीर है कि जिससे हमारे माशरे के वो बाप, वो भाई, वो बहनें, वो माँ बाप जो कि अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मोहब्बत करते हैं, उन खूनी रिश्तों के नाम पे ये काला धब्बा है। मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, ऐसे केसेस के अंदर प्रेसिडेंट सेट करने की ज़रूरत है। जब पुलिस के पास मुदैयत है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी, इंटरोगेशन प्रॉपर होगी, इतराफी बयान प्रॉपर होगा। मैं ये भी चाहता हूँ नीला कि आप लोगों की बड़ी काविश है, ये पुकार की टीम की जो काविशें हैं मैं इसको सराहता हूँ। आप लोग जिस तरीके से इन गरीब लोगों की या अफेक्टिव की आवाज़ उठाते हैं, हमारे माशरे में ये काम स्टेट का है, ये काम रियासत का है जो आप लोग और आपकी टीम और आपका चैनल करता है, और आप लोग वाकई ही सही मानों में तारीफ के मुस्तहिक हैं। और आपको चाहिए कि जब इन लोगों को सजा भी हो और वो भी टीवी पे दिखाएं कि हमने अपने प्रोग्राम में आवाज़ उठाई थी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन की, हम लाइमलाइट में केस को लेकर आए, और आज ये जो मुलजिमान है इनको सजाए मौत हुई है या उम्र कैद हुई है, ये सेहरा आप लोगों के सर पर भी जाता है। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज़, हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कानूनी राय दी कि